जी अंकित, तस्वीरों के जरिए आप लगातार हम तक अपडेट्स पहुंचाते रहिए। जिस फुटओवर ब्रिज का मैं जिक्र कर रही थी, इस वक्त उसी पर मैं मौजूद हूं, और जिस जाम का जिक्र आप कर रहे थे वो दर्शकों दिखा देते हैं, क्योंकि शाहीन बाग में जिस तरीके से कार्रवाई आज एनसीबी की हो रही थी, उसके बाद लंबा जाम कालका जी की तरफ जाता हुआ आपको नजर आ रहा है। धीरे धीरे गाड़ियां रेंग रही है और दूर दूर तक आप देखेंगे अभी भी पुलिस के जवान जाते हुए नजर आ रहे हैं। उनको भी वो साफ तौर पर नहीं बता रहे, कह रहे जैसा निर्देश होगा वैसा हम कर देंगे, लेकिन कुछ पुलिस के जवान आपको आसपास नजर आ रहे हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि उनको मैसेज मिले और उसके बाद फिर वो आगे बढ़ जाए। लेकिन इसी पूरे रास्ते पर मैं आपको दिखाऊं जहां आपको तिरंगा नजर आ रहा है इस वक्त, मैं चाहूंगी मेरे कैमरा पर्सन मान दिखा सके, यहां फुटओवर ब्रिज से बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, इसी तिरंगे के पास ही पहले जब हम सुबह पहुंचे शुरुआत में तो हमें बुलडोजर नजर आया था, यहीं पर सारी गहमागहमी नजर आई थी, यहीं पर तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ था, जिसमें सबसे पहले शुरुआत कांग्रेस की तरफ से कर दी गई थी। जितने स्थानीय नेता थे वो यहां पर आ गए थे और बुलडोजर के आगे बैठ गए थे, धरना देना उन्होंने शुरू कर दिया था, और यहीं से उनको डिटेन कर पहले दिल्ली पुलिस लेकर गई है, जिसके बाद बुलडोजर आगे बढ़ा है और इस फुटओवर ब्रिज के उस पार करीब 500 मीटर की दूरी पर ही जो पहली कार्रवाई है अतिक्रमण हटाने की, उसे अंजाम दिया गया है। हालांकि वहां बुलडोजर नहीं चला, लोगों ने कहा कि आप हमें बता दीजिए, हम खुद ही अतिक्रमण हटा देंगे, जिसके बाद लोगों ने एनसीडी के कर्मचारियों के साथ मिलकर जो अतिक्रमण हुआ था उसे हटा दिया। और उसके बाद जैसे ही ये कार्रवाई पूरी हुई, वहां से हमने देखा किस तरीके से रफ्तार बढ़ता हुआ जेसीबी जो है वो मौके से चला गया, और जेसीबी के हटने के बाद ही जो पुलिस के जवान यहां मौजूद थे, जो सीआरपीएफ के जवान यहां मौजूद थे, वो भी यहां से हट गए हैं। लेकिन अभी जाम जैसी स्थिति लगातार इलाके में बनी हुई है, क्योंकि जाम खुलवाने में लंबा वक्त पुलिस वालों को यहां लग रहा है, क्योंकि आगे की तरफ ही माना जा रहा है कि पैदल अभी भी वो तमाम स्थानीय लोग मौजूद है, जिन्हें डर है इस बात का कि अगली कार्रवाई कहां होगी, कैसे होगी। जेसीबी उसी तरफ गई है और हमारे सहयोगी लगातार हम तक एक एक तस्वीर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम हालात समझ सके कि किस तरीके से एनसीडी की ये पूरी कार्रवाई हो रही है। एनसीडी की तरफ से लगातार दलील ये दी जा रही है कि हमारा ये पूरा प्लान पहले से ही तय था कि हम किस तारीख को कौन से इलाके में जाके अतिक्रमण हटाएंगे, और उसी के तहत ये कार्रवाई हो रही है। लेकिन जो स्थानीय नेता यहां पर पहुंच रहे, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हो कांग्रेस के, उनकी तरफ से साफ कर दिया गया ये केवल बीजेपी की राजनीति है। उनका कहना है कि आदेश गुप्ता जो कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष है, मात्र उनके कहने पर एनसीडी की तरफ से ये कार्रवाई हो रही है, जिसका विरोध स्थानीय लोग भी कर रहे हैं, जिसका विरोध अलग अलग राजनीतिक दल भी कर रहे हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।